हेलो जिज्ञासु पीपल, आपने अक्सर कई किस्से सुने होंगे या फिर कोई वीडियो देखी होगी जिसमें दो जानवर लड़ाई करते दिखते हैं और उनमें से कुछ राइवलरीज तो कई सालों से चलती आ रही है। सबसे ज्यादा राइवलरी शिकार के लिए होता है। आखिर पापी पेट का सवाल है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टॉप 5 राइवलरीज ऑफ एनिमल्स। कहते हैं कि जंगल का कानून अलग होता है। यहाँ जो शक्तिशाली होता है वही राज करता है, इसलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। वरना जंगल में शेर के अलावा कई खूंखार शिकारी होते हैं जिसमें लकड़बग्घा उनमें से एक है। ये अपने शिकार को देखते ही अटैक कर देता है और उसे मारकर खा जाता है। कभी कभी ये शेर पर भी भारी पड़ जाता है, लेकिन शेर तो शेर है। अगर उसके चंगुल में एक बार कोई फंस गया तो उसका काम तमाम होना तय है। इतिहास की शुरुआत से ही हाइना और शेर एक ही शिकार और जानवरों के शवों के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। जब जानवर की दो प्रजातियां एक ही भोजन के लिए लड़ती है तो जीवित रहने की वृत्ति के साथ साथ उनके बीच तनाव बढ़ जाता है। जैसा कि हमने कहा, शेर मजबूत होते हैं लेकिन लकड़बग्घे की आबादी बहुत ज्यादा होती है और इससे इन दोनों दुश्मनों के बीच मुठभेड़ के परिणाम में अंतर आ सकता है। सच तो यह है कि जब लकड़बग्घे का एक कबीला शेरों की झुंड से सामना करता है तो कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है। हम शायद ही सोचते होंगे कि कोई जानवर इतना पागल नहीं होगा कि वह आगे जाके एक जहरीले सांप से सामना कर सके, है ना? खैर, नेवला हमें गलत साबित कर सकता है क्योंकि वह निडर होकर कोबरा का सामना कर सकता है और ज्यादातर बार लड़ाई में वह जीत जाता है। हालांकि ये वास्तव में कैसे कर सकता है? इनका सामना अक्सर कोबरा से होता है और ये टकराव में बड़ा फायदा उठा सकते हैं। नेवले में विशेष एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर होते हैं जो उन्हें सांप के जहर के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं। ये विशेषता नेवले को अपने विरोधी से आगे रखती है और बताती है कि नेवले कोबरे को क्यों मार सकते हैं। ये एक मिथ है जो सदियों से चली आ रही है। इस पर अनगिनत कार्टून बन चुकी है कि कुत्ते और बिल्लियां दुश्मन होती है और हमेशा एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या कुत्ते और बिल्लियां वास्तव में एक दूसरे से नफरत करते हैं? क्योंकि बिल्लियां और कुत्ते अलग अलग प्रजातियां होती है, इसलिए आमतौर पर नेचुरल फ्रेंड नहीं होते हैं। कुत्ते बिल्लियों को शिकार के रूप में देखते हैं और बिल्लियां कुत्ते को खतरे के रूप में देखती है, और जब वह एक घर में एक साथ रहते हैं तो वह भोजन और ह्यूमन अटेंशन पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे उनके लड़ने की संभावना और भी बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह साथ नहीं रह सकते। आप सबने टॉम एंड जेरी कार्टून तो देखी ही होगी और उसमें टॉम एंड जेरी की लड़ाई भी देखी होगी। बिल्ली और चूहे की राइवलरी बहुत पॉपुलर है। बिल्ली मांस खाती है और केवल छोटे जानवरों को पकड़कर खा सकती है। यह एक सामान्य फूड चेन है। चूहे सीखते हैं कि बिल्लियां शिकारी होती है और इसलिए सहज रूप से उनसे डरती है। इस दृष्टिकोण से चूहे बिल्लियां को दुश्मन के रूप में देखते हैं। हालांकि बिल्लियां चूहे को भोजन के रूप में देखती है, वह उन्हें दुश्मन के रूप में नहीं देखती। अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल का राजा कौन है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलोगे कि लॉयन। क्या जंगल के राजा का कोई और जानवर दावेदार हो सकता है? यकीनन बाघ हो सकता है क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली होता है। एक बाघ आमतौर पर शेर से शारीरिक रूप में बड़ा होता है। शेर का एक फायदा है कि वह समूह में रहते हैं और शिकार करते हैं। अगर इन दोनों जानवरों के बीच अकेले में लड़ाई की बात करें तो बाघ बाजी मार सकता है, लेकिन शेर भी किसी से कम नहीं है। इन दोनों के मुकाबले में कौन जीतेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। आप हमें कमेंट करके बताएं अगर इन दोनों में फाइट हुई तो कौन जीत सकता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।